जब सदन में बोलते हैं तो उनका बोलने का अंदाज सबसे अलग होता है, और वो कुछ इस तरह से बोलते हैं कि उनकी बातों पर सबका ध्यान चला ही जाता है। एनआरसी के मुद्दे की बात करें तो पिछले सत्र में भी एनआरसी का मुद्दा उठाया गया था, और इस बार फिर से इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया जा रहा है। पीएम मोदी ने पिछले सत्र में एनआरसी के मुद्दे पर राज्यसभा में एक जबरदस्त भाषण दिया था। उस समय पीएम मोदी ने देश की एकता और अखंडता को एक सूत्र में बांधने वाले सरदार पटेल पर भी काफ़ी अच्छी बातें कही थी, और पीएम मोदी ने पूरी कांग्रेस को जमकर धो दिया था। गुलाम नबी आज़ाद हो चाहे दिग्विजय सिंह हो, पीएम मोदी के भाषण में हर किसी का जिक्र था, और पीएम मोदी ने अपने भाषण में एक एक पर जमकर निशाना साधा था। और पीएम मोदी एक बार फिर सदन में बोलते हुए नजर आए और एनआरसी का मुद्दा फिर से सदन में उठता दिखाई दिया। यहाँ पर एक ही चिंता का विषय क्रेडिट का, बड़ा भारी है। हम तो सब क्रेडिट आप ही को दिए भाई, तभी तो आए हैं। आप ही का तो पराक्रम था, तभी तो आए, वरना वो कौन जानता था जी। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ एनआरसी की चर्चा हुई, क्या उसकी क्रेडिट आप नहीं देंगे? क्यों भाग रहे हो भाई? आप भी तो उसकी भी तो क्रेडिट लीजिए। राजीव गांधी, उस सरकार ने असम अकॉर्ड में एनआरसी स्वीकार किया था। एनआरसी उस समय का है, बाद में सुप्रीम कोर्ट को इंटरवीन करना पड़ा और हमको सुप्रीम कोर्ट ने आदेश किया, हम लागू कर रहे हैं। अकॉर्ड क्रेडिट लीजिए ना, हम वोट भी लेना है और क्रेडिट भी लेनी है, फिर आधा बोलना और आधा छोड़ना, ऐसा नहीं चलता है जी। कुछ तो जरा कुछ तो खुल करके बात बताइए। और हम बताते हैं देश हित में एनआरसी का जो उसी समय जो निर्णय हुआ था उसको लागू करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम पूरी मेहनत से करेंगे। हमारे लिए ये वोट बैंक की राजनीति नहीं है, देश की एकता अखंडता और उज्जवल भविष्य से जुड़ा हुआ मुद्दा है और हम कर रहे हैं। यहाँ पर सरदार साहब को याद किया गया, मुझे अच्छा लगा, और ये बात हम सब मानते हैं। हो सकता है हमारे कांग्रेस के लोग इस बात को नहीं मानेंगे, हम अभी भी मानते हैं कि सरदार साहब अगर देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो जम्मू कश्मीर समस्या ना होती। हम अभी भी मानते हैं कि सरदार साहब देश के पहले प्रधानमंत्री होते तो हिंदुस्तान के गांवों की आज जो जद्दोजहद है वो नहीं होती, चित्र अलग होता। ये हमारी सोच है, गलत हो सकती है हमारी सोच, लेकिन इस बात में कोई मतभेद नहीं हो सकता है कि सरदार साहब ने 500 से ज्यादा रियासतों को एक किया, इसमें कोई मतभेद नहीं। और सरदार साहब थे जिसको कांग्रेस पार्टी ने देश का पहला गृहमंत्री बनाया था। सरदार साहब थे जो जीवन भर कांग्रेस के लिए जिए, कांग्रेस के लिए जूझे, कांग्रेस के लिए उन्होंने अपना जीवन खत्म किया। वो शुद्ध कांग्रेसी थे। लेकिन मैं हैरान हूं, अच्छा जब गुजरात में चुनाव होता है तो सरदार साहब पोस्टर में दिखते हैं लेकिन देश में कहीं नजर नहीं आते। आप ही की पार्टी के थे भाई, क्या तकलीफ है आपको? लेकिन मैं एक बात आज कहना चाहूंगा, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, कांग्रेस पार्टी ने जिसका गृहमंत्री बनाया, दुनिया का सबसे ऊंचा स्टैच्यू, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, मैं आग्रह करूंगा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कम से कम एक बार जाकर के जरा श्रद्धा सुमन देकर के आ जाए। सरदार साहब कांग्रेस के थे, आप ओन कीजिए ना, आप ओन कीजिए। और मैं चाहूंगा गुलाम नबी जी कुछ दिन गुजारिए गुजरात में। देखिए कभी क्या होता है, पहले एक बड़ा इंटरेस्टिंग बताता हूँ, हमारे यहाँ पुराने नियम कैसे चलते हैं। कहीं डैम होगा, एयरपोर्ट होगा तो कहते फोटो निकालने की मना है। अब आज टेक्नोलॉजी ऐसी है कि वो स्पेस में से गली में खड़े हुए स्कूटर के नंबर की फोटो निकाल सकते हैं, लेकिन पुराने कानून पलट के पड़े हैं। तो जो सरदार सरोवर डैम जब ओवरफ्लो होता था, तब तो बना नहीं था तो ओवरफ्लो होता था, उधर दिग्विजय सिंह की सरकार चलती थी, तो ये लोगों को जाने नहीं देते। ऐसे में ही मैं मुख्यमंत्री बना,
मैंने कहा नियम बंद करो भाई और लोगों को आने दो और फोटो भी निकाल ले दो। शुरू किया, फिर ये तय किया कि अच्छा टिकट रखा थोड़ा ताकि थोड़ा हिसाब किताब रहे, लोगों का पार्किंग वार्किंग व्यवस्था हो। फिर ये कहा कि जब 5 लाख वहाँ नंबर होगा, जो 5 लाख का विजिटर होगा उसको हम सम्मानित करेंगे। और मुझे खुशी से कहना है कि जो 5 लाख वहाँ नंबर का इनाम प्राप्त करने वाला बारामूला का कपल था जो शादी के बाद निकला था और वहाँ उसने फोटो निकली। देखिए चीज़ों को कैसे बदला जा सकता है। और इसलिए मैं कहता हूँ कि आप भी कभी सरदार साहब के स्टैचू पर कांग्रेस वर्किंग कमेटी करे जी, वहाँ अच्छा लगेगा। कांग्रेस के थे जी, हमें तो देश के महापुरुष के नाते हमने तो जो श्रद्धांजलि देनी है हम देते रहेंगे। मैं हैरान हूँ आजाद साहब, आप तो हेल्थ मिनिस्टर रहे, कभी कभी हम एडवर्टाइजमेंट और जागरूकता अभियान दोनों में थोड़ा अंतर करना चाहिए। जो बिहेवियरल चेंज का विषय होता है ना, वो एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट नहीं माना जाता है। आप बच्चों को कहो भी हाथ धो करके खाना खाओ, उसके लिए अगर एडवर्टाइजिंग कैंपेन करना पड़ता है, खर्चा तो सरकार को देना पड़ता है, लेकिन वो सरकार की एडवर्टाइजमेंट नहीं है जी। आपको भी जब एपिडेमिक हुआ, जब हेल्थ मिनिस्टर थे, आपको भी बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट देनी पड़ी कि भाई इस एपिडेमिक में गर्म पानी उबाल के पियो, डिकना करो, फलाना करो, देना पड़ता है। इसको अगर आप एडवर्टाइजिंग कहें, बेटी बचाओ बेटी बचाओ के साथ इसके साथ जोड़ दें, ठीक नहीं कर रहे हो आप तो, कम से कम ऐसा मत करो, इतने साल आप सरकार में रहे हो। लेकिन दुख तब होता है कि मनरेगा के दाम पर कोई मिट्टी उठा करके फेंकने जा रहा है। 3 साल तक देश को एडवर्टाइजिंग किया गया, मनरेगा वो कोई बिहेवियरल चेंज का काम नहीं था, लेकिन एक नेता को प्रस्तावित करने के लिए सरकारी खजाने से एडवर्टाइजिंग किया गया था, इसको देश भूल नहीं सकता है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।